हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश कोच। माय नेम इज अशोक कुमार। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक लेटेस्ट ट्रेंड जो आई स्पीकिंग में चल रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो IDP या ब्रिटिश काउंसिल से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई और अगस्त में एग्जाम दिया है उन्होंने हमें बताया कि उनकी जो स्पीकिंग है दैट वॉज मोर देन 20 मिनट्स, और कुछ स्टूडेंट्स ने तो यह कहा है कि उनकी जो आई स्पीकिंग दैट लास्टेड मोर देन 25 मिनट्स। दिस इज ए लेटेस्ट ट्रेंड इन आई स्पीकिंग। IDP ने हालांकि ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ने हमें यह बताया है कि उनकी स्पीकिंग काफ़ी लेंथी चली। एग्जामिनर्स ने पार्ट 1 और पार्ट 3 में बहुत से क्वेश्चन उनसे पूछे हैं। क्या आई स्पीकिंग मोर देन 25 मिनट्स सेट है? ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, बट दिस इज़ अप टू एग्जामिनर, वो आपसे कितने भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या ये एक पॉजिटिव साइन है या क्या ये एक नेगेटिव साइन है? देखिए दोस्तों, अगर आप लैंग्वेज पे वर्कआउट करते हो, इफ़ यू आर ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी स्पीकिंग 10 मिनट्स चले, 20 मिनट्स चले और 30 मिनट्स चले। अगर आप कॉपी कैट हो, क्रैमिंग करके जाते हो, ये सारे का सारा उन्हीं लोगों की वजह से हुआ है जो आई स्पीकिंग में क्यू कार्ड को क्रैम कर लेते हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं, क्वेश्चंस को क्रैम कर लेते हैं और एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उन्हीं सारे स्टूडेंट्स को अलग करने के लिए IDP ने ये फॉर्मूला यूज किया है। देखो दोस्तों, आई स्पीकिंग इज़ द टेस्ट ऑफ योर इंग्लिश कम्युनिकेशन, कि आप क्वेश्चंस को कितना एप्टली आंसर कर सकते हो। अगर आप क्रैम करके जाओगे तो आप टॉपिक पे तो बोल दोगे, बट इट इज़ नॉट ए परफेक्ट असेसमेंट ऑफ योर इंग्लिश कम्युनिकेशन। उसी चीज़ को असेस करने के लिए एग्जामिनर पार्ट 1 में मैक्सिमम डिफरेंट टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले क्या होता था, पार्ट 1 में एक या दो टॉपिक से रिलेटेड आपसे 5 से 6 और मैक्सिमम 7 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन अब एग्जामिनर रैंडम टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है व्हाट वॉज योर फेवरेट सब्जेक्ट व्हेन यू वर एट स्कूल, और तीसरा क्वेश्चन हो सकता है व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी इन द फ्यूचर। आगे वो आपसे पूछ सकता है फ्लावर डू यू लाइक, और उससे रिलेटेड क्या आप मूवी से आपसे क्वेश्चन पूछ ले। मीन्स क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी रैंडम, यू आर नॉट गोइंग टू यू नो असेस अज्यूम और प्रेडिक्ट व्हाट यू आर गोइंग टू बी आस्क्ड नेक्स्ट टाइम। ये सारा आजकल IDP में चल रहा है। क्यू कार्ड आपसे एक ही पूछा जाना है, एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू सेकंड क्यू कार्ड, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों पार्ट 3 में। पार्ट 3 में एग्जामिनर क्यू कार्ड से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछेगा ही, साथ ही साथ और डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। मान लो आपसे पूछा गया मूवीज़ के बारे में, व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी, और आपने क्यू कार्ड में एक्सप्लेन कर दी, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद टॉपिक को स्विच किया जाएगा कि आप तक कम्युनिकेशन के बारे में पूछ ले, फेस्टिवल्स के बारे में, होटल रेस्टोरेंट्स के बारे में पूछ ले, तो कोई भी टॉपिक आपसे पार्ट 3 में डिस्कस किया जा सकता है। और क्वेश्चन एक या दो नहीं होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे, ताकि आपके कम्युनिकेशन को, ताकि आपके इंग्लिश बोलने के लेवल को अच्छे तरीके से एग्जामिनर असेस कर पाए। सो दिस ट्रेंड इज़ गोइंग एट प्रेजेंट एंड इट इज़ नॉट ए डिफ़िकल्ट थिंग। इफ़ यू प्रिपेयर योर आई स्पीकिंग सिस्टमैटिकली, वर्क ऑन योर लैंग्वेज, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट गुड बैंड स्कोर। अगर आपकी आई स्पीकिंग 20 मिनट से ज़्यादा चलती है तो कोई भी स्टूडेंट्स उसमें 6 बैंड बड़े आराम से ले लेगा। अगर आपकी स्पीकिंग 10 टू 12 और 15 मिनट्स चलती है, वहाँ पे मार्किंग घटने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी 20 और 25 मिनट्स तक स्पीकिंग चलती है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। इस ट्रेंड में आप बड़े आराम से स्कोर कर पाओगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है। जब भी आप आई स्पीकिंग की प्रिपरेशन करो तो मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करें, और पार्ट 1 में कम से कम 15 क्वेश्चंस को इंक्लूड करें। इसी तरह पार्ट 3 में भी आपको 15 क्वेश्चन इंक्लूड करने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। एक क्यू कार्ड आप अपने प्रैक्टिस में बोलिए, उसके बाद आपको 15 क्वेश्चन इन पार्ट 1, 50 क्वेश्चन इन पार्ट 3 यू हैव टू प्रैक्टिस। और इसके अलावा आपको 15 मिनट्स अलग से सेट करनी है जिनमें आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को डिस्कशन के तौर पे आंसर कर पाओ। जब आप अगले 15 डेज तक ये करोगे तो आपके कम्युनिकेशन का लेवल बहुत हाई होगा, आपकी प्रोनंसिएशन बेटर होगी, क्योंकि आप एक डिस्कशन स्टाइल में, एक कन्वर्सेशन स्टाइल में इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू गेट डिजायर्ड बैंड स्कोर। अभी हाल ही में मेरे एक स्टूडेंट ने एग्जाम दिया और उनकी जो स्पीकिंग है वो 25 मिनट्स चली। उसके बाद वी हैड ए डिस्कशन ऑन फोन, हमारा डिस्कशन फ़ोन पे हुआ,
और जैसा उन्होंने बताया तो मैंने उनको आइडिया दे दिया था कि उनका स्कोर 8 और 8.5 होने वाला है। जिस तरीके से उनका इंटरव्यू चला, जिस तरीके के क्वेश्चंस की डिस्कशन वहाँ पे हुई, और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताया, कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताया, तो उनका जो आइल्स स्पीकिंग में स्कोर था दैट वॉज 8 बैंड। ओके, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बेटर कन्वर्सेट कर पाओगे, एग्जामिनर से कनेक्ट हो पाओगे, तो चांसेस आर हाई दैट यू आर गोइंग टू स्कोर हाई इन आइल्स स्पीकिंग। तो कोशिश कीजिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आइल्स स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने की। पार्ट वन और पार्ट थ्री को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स की उनमें प्रैक्टिस कीजिए, अपने टीचर को बोलिए कि इस स्टाइल में वो प्रैक्टिस करवाएं, ताकि आप बहुत अच्छे ढंग से 20 to 25 मिनट्स बोल पाओ, एग्जामिनर को इम्प्रेस कर पाओ और आइल्स स्पीकिंग की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाओ और आपका बैंड स्कोर हाई हो। आई होप दैट यू आर गोइंग टू बी सीरियस एंड वर्क हार्ड टू गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल को उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो आइल्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनको हेल्प मिले और वो भी अच्छा बैंड स्कोर एक्वायर कर पाएँ। Thank you. See you next time.